हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फूड लाइब्रेरी। मैं हूँ रेखा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खोआ बर्फ़ी। फ्रेंड्स, आगे आने वाले दिनों में नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और नवरात्रि में कई लोग व्रत करते हैं और अक्सर उन लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बाहर से खाने का जो चीज़ होती है, जो भी व्रत के फलाहार के रूप में वो खाते हैं, वो बाहर से मंगाते हैं और फ्रेंड्स उनमें कन्फ्यूज़न रह जाती है कि बाहर से जो चीज़ ला रहे हैं वो क्या ठीक है व्रत में खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, उन सभी चीज़ों को अब हमें नहीं लाना है बाहर से और आज हम तैयार कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल खोए से बनी हुई, बिल्कुल दूध से बनी हुई ये बर्फ़ी है फ्रेंड्स। और इसको खाते ये बहुत ही एनर्जी वाली बर्फ़ी भी है फ्रेंड्स। इसे हमने बनाना स्टार्ट करना है। उससे पहले आपको क्या करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना होगा 2 लीटर फुल क्रीम दूध और सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमें डालना होगा 1/2 चम्मच के करीब पानी। पानी फ्रेंड्स इसलिए डालते होते हैं कि जो हम दूध को जब निकालते हैं तो क्या होता है कि दूध नीचे लग जाता है, जो हैवी दूध होता है क्रीम वाला वो नीचे लग जाता है और नीचे ना लगे इसके कारण हमें इसमें डालना होता है 1/2 से 1 चम्मच पानी का। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इस 2 लीटर दूध को अच्छी तरह से उबलने देंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते रहिए। ये दूध उबल चुका है फ्रेंड्स, इसे हमने गाढ़ा होने तक पकाना है और साइडों की जो ये मलाई होती है इसे निकालते हुए पकाना है, क्योंकि इसी से ही जो मलाई होती है इसी से ही क्रीम का जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो साइडों से इसे निकालते जाइए। आप देख सकते हैं दूध आधा हो चुका है निकलकर। लगातार अब इसे चलाना है और आप मीडियम फ्लेम पे रखें या हाई पे, वो आपकी मर्जी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। लगातार हिलाते हुए फ्रेंड्स हमें इस दूध को काढ़ लेना है, यानी कि इसको गाढ़ा करना है। ये बर्तन काफी बड़ा है, मैं इसे छोटे बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद में, ताकि आपको आसानी से ये दिख सके। और दूध आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है और अब इस स्टेज पे ये दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध के साथ 1/2 कप चीनी का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा और दानेदार ये दूध हो चुका है। तो अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है अभी भी। चीनी डालने के बाद में थोड़ा सा क्या होगा, ये थोड़ा और लिक्विड सा हो जाएगा। तो आप इसे लगातार चलाते रहिए और फिर उसके बाद में ये गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा होने के बाद में इसका जो टेक्सचर है फ्रेंड्स वो इस तरह के आएगा। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये गाढ़ा हो चुका है, इसका मतलब है ये बन चुका है, बिल्कुल बाइंड होने लगा है। ये ठंडा होने के बाद में ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। और अब हम यहाँ पर इसकी बर्फी बनाएंगे। तो बर्फी बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेनी होगी एक ट्रे। आपके घर में थाली है तो वो थाली ले लीजिए और उसे अच्छे से घी लगाकर ग्रीस कर लीजिए। ये सारा जो बैटर है, खोया है, वो हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे और इसे सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, फुल आंच पर मैंने इसे पकाया है और मुझे इसे पकाते हुए मुश्किल से 15 मिनट लगे हैं फ्रेंड्स। 2 किलो दूध को काढ़ने में 15 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैं इसके पास ही खड़ी थी और जो लोग पास नहीं खड़े होते हैं, दूध उफड़ने का डर होता है तो वो लोग धीरी कर देते हैं गैस को, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैंने इसे लगातार हाथों से चलाया है और 15 मिनट में ये हमारी बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, इसे ठंडा होने में भी 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा देर इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। 15 से 20
15 से 10 मिनट में ये जमकर सेट हो जाएगी बर्फी। तो ये देखिए 10 मिनट इसे मुश्किल से लगे हैं सेट होने में और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इसकी अपने मनचाहे शेप में कटिंग कर लेंगे। बेसन की या कोई और बर्फियां बनाते भरी क्या होता है, हमें 1 से 2 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रखना पड़ता है, पर ये बहुत ही जल्दी जमकर सेट हो जाती है। तभी मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप शॉप से ये बर्फी लेने जाएंगे उस टाइम तक ये बनकर तैयार भी हो जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये निकल रही है, कितनी अच्छा इसका टेक्सचर है फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात है ये हाइजीनिक है, अपने घर का बनाया हुआ कोई भी चीज़ होती है हमारे आँखों के आगे बनती है, तो वो हमारे बच्चों के लिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से उनको दे सकते हैं कि हाँ हमें विश्वास होता है कि हमारे हाथ से बनी हुई चीज़ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने कितनी जल्दी इसे बनाकर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और आप देखिए आप अपनी दादी को नानी को या आप खुद भी व्रत करते हैं या अपनी सासू माँ को आप ये जो बर्फी है अगर वो लोग व्रत करते हैं और उनको आप ये सर्व करके देंगी तो आई एम श्योर वो आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। बाहर से इस टाइम हमें कुछ भी लाना भी नहीं है क्योंकि बाहर की चीज़ें अनसेफ हैं। और फ्रेंड्स घर में ही अपने बच्चों को हेल्दी तरीके से रेसिपीज़ बना कर दीजिए। और फ्रेंड्स देखते रहिए द फूड लाइब्रेरी।